भाई कुछ समय पहले बॉलीवुड सो रहा था, उसके बाद बॉलीवुड 2023 में एक से एक मूवी लेकर आया। और कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं हूं सूर्या और आज हम रिव्यू करेंगे गणपत मूवी का टीजर। टीजर का स्टार्टिंग में गणपत को ध्यान करते हुए दिखाया गया है, उसके बाद एक सुपर एडवांस सिटी दिखाया जाता है जिसमें बड़े बड़े एडवांस बिल्डिंग और उड़ते हुए गाड़ियों को देख सकते हैं। और अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है, वह एक पावरफुल आदमी लग रहा था और शहर का कंट्रोल उसका हाथ में था। इसमें डार्क कलर ग्राइंडिंग के साथ दिखाया जाता है, इसमें सब लोग अनाज को फेंक फेंक के फाइट करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद एक इमरजेंसी एग्जिट का शॉट दिखाया जाता है और एक बड़ा गेट बंद हो जाता है। लगता है ये गेट उन सब का उम्मीद का आखिरी गेट था। ये मूवी फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाला है। ये मूवी में गणपत का रोल में टाइगर शराब देखने को मिलेगा। वैसे टाइगर की पिछले सब मूवी तो फ्लॉप जा रही थी, देखते हैं इस बार टाइगर भैया क्या नया लेकर आते हैं। उनका मूवी में अक्सर एक्शन स्टंट और फाइट सीन से बहुत भरा होता है और ये मूवी में भी भर भड़क है भाई साहब। और इसमें अमिताभ बच्चन, कृति सेन नंदी। ये मूवी का एक शॉट में दिखाया जाता है कि वह शहर का सब लोग भगवान को प्रार्थना करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद हमें गणपत की आंख खोलते हुए दिखाया। उसकी आंख खोलते ही ना जाने कहां से गुंडे लोग आकर उसको हमला कर देते हैं और भाई गणपत का एक से एक फाइट सीन देखने को मिलता है। इसके बाद फिर बच्चन साहब का एक डायलॉग कहां था, ये देख लो, बिग बी इस मूवी में एक गुरु का रोल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे टीजर में तो कुछ दिखाई नहीं गया है, अगर बहुत कुछ एक्सप्लेन हो सकता है। गणपत आने के बाद एक सीन में फाइट करते वक्त हीरोइन का भी एंट्री हो जाता है। इस मूवी में फास्ट में गणपत को दिखाया जाता है और लास्ट में गणपति को। भाई यह मूवी ऑसम होने वाला है। गणपत मूवी 2017 की टाइमलाइन की मूवी होने वाला है, यानी कि आप लोग सोच सकते हो कैसे एडवांस होगा भाई, ऐसा एडवांस की बोल ही मत। इसलिए तो गुरु, एडवांस सिटी, उड़ता हुआ गाड़ी, रोबोटिक डॉग और सुपर विलन, ये सब दिखाया गया है। यह मूवी फ्यूचरिस्टिक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाला। ये मूवी का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है। अभी तो भाई टीजर आया है, ट्रेलर आने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे। यह मूवी 20 अक्टूबर को आएगा, मगर भाई गणपत का क्लेश होने वाला है लीव के साथ, क्योंकि LEO 19 अक्टूबर को आ रहा है और गणपत 20 अक्टूबर को। तो देखते हैं क्लेश में कौन वन करता है, क्या गणपत ठीक ठाक चल पाएगी LEO के सामने, कौन बाजी मारेगी, आप लोग कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें।